अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है ग्रीन लीफ थाने, दैट इज़ लोकेटेड इन थाने। बेसिकली थाने मीरा रोड के नियर बाय कुछ है, और आपको ये ग्रीन लीफ जो है वो आपको हाईवे के नियर बाय लोकेटेड है। आप इसका एंट्रेंस देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब इसमें भैया ने पूरा खर्चा एम्बियंस में कर दिया है, खाने पे छोड़कर पूरा खर्चा जो हुआ है वो एम्बियंस पे हुआ है और दारू पर हो गया है। अब ये जैसे हम एंटर करते हैं ना, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड इट्स काइंड ऑफ एक वाइब जो दे रहा है वो क्लब काइंड ऑफ की वाइब्स दे रहा है। एक सॉफ्ट म्यूजिक पीछे से चलते रहेंगे जो कि ज़्यादातर मराठी होते हैं। और यहाँ देखें, हम सब डिस्कस कर रहे थे कि क्या ऑर्डर करना चाहिए, और मतलब एक्सट्रीम मुझे महंगा लगा। एक्सट्रीम महंगा इन अ सेंस, इनके पास वैरायटीज ही नहीं है खाने की। मतलब समझ रहे हो आप, ये गिन के चार पेपर हैं, मेनू ख़त्म हो गया आपका। और उसमें जैसे काइंड ऑफ नॉर्मल जो लोग खाने, प्रॉपर फूड एरिया तो नहीं है, बट या देखिए मेनू ख़त्म। तीन डेजर्ट है बस, ऐसी चीज़ें थी। एंड आई वाज सो शॉक, और हम लोग खाने के इतने शौकीन से हुई वेल कि मॉकटेल्स वगैरह ऑर्डर कर लेते। एक मॉकटेल हमने ऑर्डर किया कैनबेरी का, जिसमें मिक्स फ्रूट काइंड ऑफ जूस था विद सोडा थोड़ा सा, बट वो जो जूस था दैट कॉस्ट अराउंड 269 समथिंग। और आप जब जूस आएगा तो आप जस्ट जूस का साइज़ देखना। अच्छा ये देखिए, जो ये यहाँ का एम्बियंस था, मतलब जो प्लेस थी वो बहुत अच्छी थी फ़ोटोशूट्स वगैरह के लिए, वीडियोस के लिए। आप विज़िट कर सकते हो फॉर श्योर, नो डाउट। मतलब इतनी समथिंग जिसको प्लेस बहुत पसंद होना कि यार जगह अच्छी होनी चाहिए, फ़ोटोज़ अच्छी आनी चाहिए, खाना इतना प्रॉपर हो ना हो नहीं हो चलेगा, तो उन लोगों के लिए बेस्ट प्लेस है। बट मेरे जैसे लोगों के लिए खाना इज़ द मेन थिंग। ये देखिए जूस का साइज़ देख रहे हो आप, इनोजा जूस 300 रुपये के। बाप रे बाप, जो मैंने इन लोगों को चिल्लाया था, मतलब ये मुझे लगा कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह कुछ है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत जंग करने के बाद मैंने कहा भाई निकाल लो फोटो इस जूस के साथ, निकाल लो जिस जिसको निकालना है। स्टार्टर्स ऑर्डर किया था हम लोग ने, एक लेमन ग्रास चिकन, और हमने फिर एक चिकन मालवानी हंडी ऑर्डर किया, और राइस रोटी ऑर्डर करने के बाद वी हैड एवरीथिंग ओवर द स्कून से फ़ोटोशूट्स वगैरह किया, और हम लोग वहाँ से फिर एक नाइट निकल गए। अच्छा अब यहाँ पे खाना पूरा आ गया था, आप देख सकते हो ज़ीरो राइस, स्टार्टर, ग्रेवी, रोटी एंड दैट जूस, सो कॉल्ड जूस। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग ने अपना खाना स्टार्ट किया माशाल्लाह से, मतलब सुकून से बैठ के। हम लोग काफ़ी टाइम बाद सारे कज़िन्स बैठे, सारे नहीं, ऑलमोस्ट अरियान मिसिंग है, अहान मिसिंग है, बट हम लोग जितने थे हम लोग ने उतनों ने इंजॉय किया, बहुत सारे अच्छे फ़ोटोज़ वीडियोज़ रील्स बनाई, और उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। अच्छा यहाँ से कैब बहुत मुश्किल से मिलती है, तो आपको भी वेरी केयरफुल विद दैट, आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो, सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। यहाँ पे द थिंग इज़ बहुत प्यारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ आ सकते हैं, द एनवायरनमेंट, द एम्बियंस, द प्लेस इज़ अमेजिंग, नो डाउट इन दैट। बट एक फूडी पर्सन के हिसाब से या बहुत किसी को खाने के इंटरेस्ट से ही जाना है, तो आई थिंक ये प्लेस उन लोगों के लिए नहीं है, या वो हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन सी कि नाइट में ये 1:30 बजे तक चलता है लास्ट, और 7 o'clock के बाद कुछ स्टार्ट होता है। So this is how the place is, and if you guys like my video, make sure to like, subscribe and comment. Till that, bye, see you guys in the next video. Make sure to subscribe to my channel. जो लोग मेरे channel पर new है वो subscribe करना बिल्कुल ना भूलें। ये अंदर की sitting है, अंदर भी बैठ सकते हैं, मतलब बहुत सारी varieties of settings इसमें दी गई है, तो this is a good thing। बाहर entrance पर कुछ इस तरह से बच्चे लोगों को खेलने की चीज़ें हैं, so this is how the place was.